वेलकम टू सॉरी अव्यू। तो भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्रेजा, ब्रेजा ZXI टॉप टॉप एंड वेरिएंट, दोनों वेरिएंट आपके सामने खड़े हुए हैं। दोनों में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, आज उसके बारे में जानेंगे। बाकी ये रेड एंड ब्लैक में वो टॉप वेरिएंट है और ये है वो ZXI है, मतलब दोनों वेरिएंट में कुछ तो डिफरेंस होगा। और जो इसकी ऑन रोड प्राइस की बात की जाए ना, दोनों में ऑन रोड में अराउंड में 2 लाख रुपए का अंतर पड़ता है, वो कैसे पड़ता है बाकी जानेंगे इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप। बाकी फ्रंट से अपनी गाड़ियां कुछ ऐसी दिखाई देती है, इसमें तो मोटा मोटा जो फर्क दिख रहा होगा ना आपको फॉग लैंप का ही दिख रहा होगा कि क्या फॉग लैंप ही आपको दिख रहे होंगे और कुछ नहीं दिख रहा होगा। बाकी जो इसमें ZXI में और ZXI में फर्क देता है ना, वो आपको मिल जाता है यहाँ पे एक कैमरा, यहाँ पे मिल जाता है और इसमें कोई भी कैमरा नहीं मिलता है। 360 व्यू मिल जाता है उसमें, इसमें कोई नहीं मिलता, इसमें ओनली पार्किंग कैमरा आता है। फ्रंट में आपको यही अंतर देखने के लिए मिलेगा, बाकी साइड से अपनी गाड़ी कुछ ऐसी दिखाई देती है। दोनों में जो अंतर दिखेगा ना वो दिखेगा व्हील में, इसके डायमंड कटा वाले व्हील मिल जाते हैं और उसके जो व्हील मिलते हैं ना सिंपल व्हील मिलता है ब्लैक कलर के, फुल्ली ब्लैक मिल जाते हैं। और इसमें ORVM पर मिल जाते हैं आपको कैमरा की प्लेसमेंट, और उसमें आपको कोई भी कैमरे की प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। जो इसका ORVM है ना वो मिल जाता है आपको बॉडी कलर का और इसका मिल जाता है ब्लैक कलर का, रूफ से अटैच होता है ये ORVM। बाकी अपनी गाड़ी का साइड प्रोफाइल से ना अपनी कुछ ऐसी दिखाई देता है, दोनों का सेम ही दिखाई देता है। बाकी एक बार ही ना ZXI को भी देख ही लेते हैं, ZXI भी ऐसी दिखाई देते हैं, चारों पिलर मिल जाते हैं आपको फुल्ली ब्लैक मिल जाते हैं, मतलब A, B और C और डी चारों पिलर मिल जाते हैं आपको फुली ब्लैक। और इसके रूफ रेल की बात की जाए तो रूफ रेल मिल जाती है आपको दोनों ही सिल्वर कलर की, दोनों में ही मिल जाता है आपको सनरूफ मिल जाता है। इसमें आपको दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, जो थोड़ा सा फर्क दिखता है ना वो मिलता है, एक तो 2 लाख रुपए में जो अंतर देखना है वो मिल जाता है आपको। एक तो मिल जाता है कैमरे का, फ्रंट पे कैमरा मिल जाता है, मतलब इसमें 360 के लिए कैमरा मिल जाता है, चारों तरफ कैमरे मिल जाते हैं। और इसमें मिल जाता है फॉग लैंप, ओनली इसमें कोई भी फ्रंट पे कैमरा नहीं मिलता है, ओनली इसमें मिलता है रियर में कैमरा मिलता है। बाकी चलते आप इसकी रियर प्रोफाइल पे, साइड से देख ही चुके हैं, रियर से अपनी गाड़ियां कुछ ऐसी दिखाई देती है। दोनों में आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों गाड़ियों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों सेम ही दिखाई देती है। कैमरा भी मिल जाता है, स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग इसमें भी मिल जाती है, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 2 रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, बम्पर प्रोटेक्टर मिलता है जो रियर में वो भी सेम ही मिलता है, डिफोगर भी इसमें मिल जाते हैं, इसमें भी मिल जाता है, वाइपर भी मिल जाता है, वॉशर भी मिल जाता है, सब कुछ इसमें मिल जाता है, सार्फिन एंटीना उसमें भी मिलता है और इसमें भी। अभी तक जो भी डिफरेंस देख पाए ना, एक तो व्हील में देख पाए और दूसरा देख पाए एक फ्रंट में फॉग लैंप का और दूसरा देख पाए उसका कैमरे का। बाकी चलते अब इसकी इंटीरियर में कुछ ऐसा देखने को मिलता है, पावर विंडो के कंट्रोल मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट ORVM मिल जाते हैं, क्रोम के साथ में हैंडल मिल जाता है ये, और ये मिल जाता है आपको ट्यूटर, यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट, और यहाँ पे मिल जाता है एक बोतल होल्डर। ड्राइवर साइड डोर में ये मिलता है ZXI प्लस में, और चलते हैं वो ZXI में। ZXI में भी सेम ही मिलता है, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता है, चारों पावर विंडो इलेक्ट्रिकल ORVM एडजस्ट मिल जाते हैं, क्रोम के साथ में हैंडल मिल जाता है, और ये मिल जाता है आपको एक बोतल होल्डर, यहाँ पे मिल जाता है स्पीकर, यहाँ पे मिल जाता है ट्यूटर, दोनों में ही सेम ही मिलते हैं। बाकी चलते हैं अब अपनी ZXI प्लस के इंटीरियर में। ZXI प्लस का इंटीरियर कुछ ऐसा दिखाई देता है, जो अंतर दिखेगा ना वो यहाँ पे दिखेगा आपको, मोटा मोटा दिखेगा। एक तो 360 व्यू के लिए कैमरे मिल जाते हैं चारों तरफ, उसका कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाते हैं हेड अप डिस्प्ले, और सबसे बड़ी बात मिल जाता है इस पे 6 एयर बैग मिल जाते हैं, जो उसमें मिलता है ना उसमें 2 ही मिलते हैं। एक बार ही ना 360 व्यू कैमरा चला के देख लेते हैं, तो भाई इसकी डिस्प्ले है ना वो मिलते हैं 9 इंच और उसमें मिलते हैं वो मिलते हैं 7 इंच, और इसमें मिल जाता है हेड अप डिस्प्ले, यहाँ पे मिल जाता है आपको हेड अप डिस्प्ले, और यहाँ पे मिल जाते हैं आपको 360 व्यू के लिए कैमरे चारों तरफ गाड़ी के आसपास, कौन है क्या है कैसे है। इधर की साइड में गाड़ी खड़ी हुई है ना अपनी ZXI, इसलिए उस गाड़ी के
परछाई यहाँ पे दिखाई दे रही है, शेडो दिखाई दे रही है, और जो अंतर दिखाई देता है वो मिलता है। इसमें मिल जाता है ऑटोमेटिक IRVM, मिल जाता है डे नाइट एडजस्ट, और उसमें मिलता है मैनुअल। बाकी चलते हैं अब इसकी ZXI के इंटीरियर में। ZXI में भी देख लेते हैं एक बारी क्या क्या मिल जाता है। मैंने बताया था ना, एक तो मिल जाता है 360 व्यू के लिए, वो मिल जाता है, उसमें बटन मिल जाता है कैमरे की कंट्रोल के लिए, और वहाँ पे मिल जाता है एक हेड ऑफ डिस्प्ले, आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन दोनों में ही मिल जाता है। और जो इसका स्टूडियो मिलता है ना, वो इसमें मिल जाता है 7 इंच का, और उसमें मिलता है 9 इंच का। यही आपको डिफरेंस मिलेगा देखने के लिए दोनों गाड़ियों में। और यहाँ पे मिल जाता है आपको IRVM मैनुअल एडजस्ट के साथ में, बाकी सनरूफ तो दोनों में ही मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी हेड ऑफ डिस्प्ले नहीं मिलेगी, ना ही कोई 360 व्यू के लिए कैमरे की प्लेसमेंट, ना ही कोई स्टूडियो में वो मिलता है। बाकी यही अंतर देखने को मिलता है। बाकी चलते हैं इसकी रियर सीट पे, देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस मिल जाता है। बाकी रियर का डोर कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, सेम ही दिखाई देता है। बाकी चलता है अंदर, अंदर मिल जाता है आपको ये AC इवेंट मिल जाता है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको USB कनेक्ट, और यहाँ पे मिल जाता है आपको सी टाइप चार्जिंग का पॉइंट, और यहाँ पे मिल जाता है ग्रैब के लिए हैंडल, दोनों में ही सेम ही मिलता है। यहाँ पे भी आपको हैंडरेस्ट मिल जाता है, और उसमें भी आपको हैंडरेस्ट मिल जाता है। बाकी चलते हैं उसकी सीट पर, डोर अपना कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, सेम टू सेम दिखाई देते हैं। बाकी अंदर चलते हैं, जो उसमें मिलते थे ना, उसमें सी टाइप और USB कनेक्ट दोनों मिलते थे, और इसमें मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट, AC इवेंट दोनों में ही मिल जाते हैं। जो ये लैंप मिलती है ना, ये भी दोनों में ही मिल जाती है आपको। बाकी इतना सब देखने को मिलता है दोनों में डिफरेंस, आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी और वैल्यू फॉर मनी लगती है। बाकी इन दोनों के प्राइस की बात की जाए ना, वो प्राइस मिल जाते हैं आपको, ZXI प्लस का प्राइस है वो है 11,42,000 रुपये, और ZXI का रेट है जो प्राइस है वो है 10,86,500 रुपये। बाकी दोनों में आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी कमेंट करके बताना जरूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।